हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सेंड फीडबैक एंड व्यू फीडबैक को कंप्लीट कर लिया था। अब हम इंडेक्स पेज में आते हैं, मतलब पहले पेज में आते हैं। और यहाँ पे हमें, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये कैटेगरी है। तो इस कैटेगरी पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ, मतलब इस इमेज पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ, तो मैं चाहता हूँ जो हमारी कैटेगरी है, केक कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे सर्च होके आ जाएं। अगर मैं बेक पे क्लिक करूं तो बेक कैटेगरी के जितने ही प्रोडक्ट हैं वो सारे आ जाएं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक हाइपर लिंक देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो उसका रीज़न क्या है कि इमेज के नाम में स्पेस है। तो इसको भी मैं करेक्ट करूँगा। अभी अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा दूंगा तो इमेज वो डिस्प्ले हो जाएगी, बट अगर स्पेस है तो भी डिस्प्ले हो पाए, तो वो भी हम देखेंगे। पहले हम इसको करते हैं, यहाँ पे हम एक लिंक देते हैं। तो ये जो हमारा इमेज है, या फिर आप चाहो तो इस टाइटल को भी ले सकते हो। टाइटल पे क्लिक करें तो भी पेज ओपन हो जाए। तो मैं पूरा टाइटल से ही ले लेता हूँ इसको। यहाँ पे मैं एंकर टैग लगा देता हूँ, एंकर टैग HREF, और यहाँ पे हमारा लिंक आ जाएगा। और एंकर टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ओके। एंड एंकर टैग में हम यहाँ पे लिंक दे देते हैं कि हमें किस पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो हम एक पेज क्रिएट कर लेंगे। ऑलरेडी हमने बाहर यहाँ पे डबल कोट्स यूज किया है, तो यहाँ पे मुझे सिंगल कोट्स यूज करना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ गिफ्ट बाय कैटेगरी, गिफ्ट बाय कैटेगरी डॉट PHP नाम का हम एक पेज बना लेंगे। और यहाँ पे हम एक गेट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कैटेगरी नाम का, और इसमें मैं पास कर देता हूँ, गेट वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर लेंगे $0, मतलब गिफ्ट का कैटेगरी का ID पास हो जाएगा, ओके। एंड में चाहता हूँ कि मुझे एक और गेट वेरिएबल पास करना है, कैटेगरी का जो नाम है वो भी पास करना है। तो यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर लगाया और उसके बाद दूसरा गेट वेरिएबल बना लिया कैटेगरी नेम। और यहाँ मैं दे देता हूँ कैटेगरी नेम, मुझे मिलेगा 0 के बाद 1 पोजीशन पे। तो मैं लिख दूंगा $0 की जगह $1, ओके। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं और यहां पे रिफ्रेश करता हूं। ओके, तो अब अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहां पे ये पेज ओपन हो गया, गिफ्ट कैटेगरी URL में आप देख रहे हो। एंड ये आप देख रहे हो दो यहां पे गेट वेरिएबल हैं, यहां कैटेगरी का नाम आ गया और ये कैटेगरी का ID आ गया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कैटेगरी का नाम आ गया चॉकलेट्स, और ये कैटेगरी का ID आ गया 3। तो अब हम इस पेज को क्रिएट कर लेते हैं गिफ्ट बाय कैटेगरी डॉट PHP। तो मैंने इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे आके मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसका नाम मैंने दे दिया गिफ्ट बाय कैटेगरी डॉट PHP, और डॉट TXT को मैंने यहां से हटा दिया। और गिफ्ट बाय कैटेगरी डॉट PHP को राइट क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूं नोटपैड प्लस प्लस के साथ। ओके, अब गिफ्ट बाय कैटेगरी में हमें कैसा लेआउट रखना है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम इंडेक्स पेज को ही कॉपी कर लेते हैं, या फिर लॉगिन पेज पे अगर हम जाएं, ठीक है। तो लॉगिन पेज का कोड हम कॉपी कर लेते हैं और उसी में चेंजेस कर देते हैं। तो मैंने लॉगिन पेज का सारा कोड कॉपी किया एंड गिफ्ट बाय कैटेगरी पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड प्लस प्लस के साथ।
और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। बट यहाँ पे मुझे लॉगिन फॉर्म तो नहीं बनाना है, तो ये फॉर्म मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एंड ये जो पीएचपी का नीचे कोड है इसको भी हम अभी हम हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इतना मार्जिन मुझे नहीं देना है, तो मार्जिन को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 50 पिक्सल। सेव कर दिया, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो हम होम पेज पे आते हैं और यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम यूजर लॉगिन की जगह क्या लिख देते हैं, प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स किस कैटेगरी के हैं वो हम डिस्प्ले कर देते हैं। तो वो हम हमें कैसे मिलेगा, हम यहाँ पे पीएचपी का यूज कर लेते हैं और इको करवा देते हैं कैटेगरी को। तो कैटेगरी का जो नाम है वो हमें यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो यूआरएल में डिस्प्ले हो रहा है, हमने गेट वेरिएबल में पास किया है। तो मैं यहाँ पे पीएचपी का यूज करके गेट वेरिएबल से डेटा को गेट कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा कैटेगरी नेम, एक वेरिएबल बना लिया, इसमें हम डेटा को रिसीव कर लेंगे। और यहाँ हम लिख देते हैं डॉलर अंडरस्कोर गेट, जो गेट वेरिएबल का डेटा होता है उसको गेट करने का ये तरीका होता है। डॉलर अंडरस्कोर गेट आप लिखते हो और यहाँ पे मैंने जो मेरा गेट वेरिएबल का जो भी नाम होगा, यहाँ पे इसका नाम है कैटेगरी नेम, तो इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सेमी कॉलन लगाया, डेटा गेट करके मैंने इस वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लिया। ओके, और इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे केक प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आ गया। अब प्रोडक्ट का जो नाम है वो अगर डेटाबेस में स्मॉल लेटर्स में हो, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे सारा स्मॉल लेटर में, तो मैं चाहता हूँ कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही आना चाहिए, ठीक है, या फिर ये सारा का सारा कैपिटल में आ जाए। तो वो आप कर सकते हैं, str2upper फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर लिया, एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने H1 को यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ। अगर मुझे पहले लेटर को कैपिटल दिखाना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमें यूज़ करना पड़ेगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कोलन मैंने कर दिया अपर केस कैपिटलाइज, मुझे केवल पहले वर्ड को कैपिटल करना है, कैपिटलाइज, ठीक है, पहले लेटर को कैपिटल करना है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हमने कर दिया कैपिटलाइज। ओके, तो यहां तो ऑलरेडी कैपिटल ही था पहला लेटर, अगर कोई स्मॉल भी होगा तो पहला लेटर कैपिटल आएगा। ओके, अब हमें प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे कैटेगरी के नाम को गेट किया है, उसी तरह हम कैटेगरी का जो आईडी है उसको भी गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना दिया कैटेगरी आईडी, और इसको भी हमने रिसीव कर लिया। कैटेगरी आईडी हमें मिलेगा कैटेगरी नाम के गेट वेरिएबल से। तो मैं वहाँ पे कैटेगरी आईडी भी लिख सकता था, कैटेगरी लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो डेटा हमने फेच कर लिया एंड अब इस आईडी के बेसिस पे हमें प्रोडक्ट्स को सर्च करना है, ठीक है, क्योंकि आप अगर देखेंगे प्रोडक्ट्स नाम का जो हमारा टेबल है उसमें यहाँ पे आईडी स्टोर हो रहा है, ठीक है।
तो अगर जितने भी फाइव कैटेगरी के अंदर होंगे, मतलब जितने भी ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनकी कैटेगरी क्या है, फाइव है, मतलब जिनकी कैटेगरी केक है, तो वो सारे सर्च हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च की कमांड यूज कर लेंगे। तो मैं अब क्वेरी लिख देता हूँ, डॉलर क्वेरी इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल से डेटा सर्च करना और कंडीशन लगा दी वेयर कैटेगरी का जो आईडी है, मतलब जो कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी नाम का जो कॉलम है उसमें हमने कैटेगरी का आईडी स्टोर किया है। तो ये अगर इक्वल है डॉलर कैटेगरी आईडी से, ठीक है, सेमी कॉलन लगा दिया और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर आर एस, मतलब जो रिकॉर्ड्स मेरे पास आएंगे सर्च होके उसको मैं इसके अंदर स्टोर कर लूँगा। और यहाँ मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ माय अंडरस्कोर सेलेक्ट, इसके अंदर मैं इस क्वेरी को पास कर देता हूँ सेमी कॉलन, और मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे हमने जो है अभी डीबी कॉन्फ़िगर को इंक्लूड नहीं किया है, तो उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, डीबी कॉन्फ़िगर डॉट पी एच पी। तो इसको हमने इंक्लूड कर लिया ताकि जो हमारा ये फंक्शन है माई अंडरस्कोर सेलेक्ट, इसको हम कॉल कर पाए। ये बना हुआ है डीबी कॉन्फ़िगर डॉट पी एच पी के अंदर। ओके, इतना हो गया। अब हमें डेटा को सर्च करवाना है, तो यहाँ पे मैं पीएचपी का कोड यूज कर लेता हूँ। मैंने पीएचपी ओपन कर लिया, लास्ट में इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैं वाइल लूप का यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं केक कैटेगरी के अंदर, तो लूप लगा के हम डेटा को फेच करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डॉलर रो इक्वल माई एस क्यू एल अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरी। और यहां हमने पास कर दिया डॉलर आर एस। ठीक है, रिकॉर्ड्स तो इसके अंदर आ चुके हैं, लेकिन हमें वन बाय वन रिकॉर्ड्स को फैच करना है और कॉलम बाय कॉलम हमें डेटा को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इको, एंड डिवीज़न टेक का मैंने यूज़ किया। डिवीज़न के अंदर मैंने बता दिया क्लास, और क्लास मैंने यूज़ कर ली कंटेनर। उसके बाद मैंने यहाँ पे सीएसएस स्टाइल का यूज़ कर लिया, और कुछ मैंने यहाँ पे मार्जिन प्रोवाइड कर दिया। मार्जिन दे दिया मैंने टॉप से 50 पिक्सल का, सेमी कॉलन लगा दिया, और उसके बाद इको, एंड यहाँ पे मैं एक और डिवीज़न ओपन कर लेता हूँ। क्लास कंटेनर के अंदर मैं क्या बनाता हूँ, एक रो बना लेता हूँ, फिर उसके अंदर हम कॉलम बना लेंगे, सेमी कॉलन। सिमिलरली फिर से हमने इको का यूज़ किया, और यहाँ पे हम क्लास यूज कर लेंगे कॉलम। तो मैं लिखा कॉलम का साइज मैंने बता दिया, कॉलम मुझे चाहिए स्मॉल साइज का, और कॉलम एस एम फोर, टोटल 12 साइज होता है। ठीक है, अब इन सबको मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इको का यूज करके इनको क्लोज भी कर देता हूँ। तीन मैंने यहाँ पे डिवीज़न ओपन किए, तो तीनों को मैं एक एक करके क्लोज कर देता हूँ।
ठीक है, तो तीनों डिविजन्स को मैंने क्लोज कर दिया एंड अब यहां पे हम आके ये जो हमारा कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले तो इमेज को डिस्प्ले कर देते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा डॉलर लोकेशन और जो हमारा प्रोडक्ट का इमेज है वो कहां पे स्टोर हो रहा है। प्रोडक्ट का जो भी इमेज है वो एडमिन फोल्डर के अंदर अपलोड इमेज के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा एडमिन फोल्डर के अंदर हमारा इमेज है प्रोडक्ट का और उसके बाद हमने यहां पे लिखा डॉलर रो टू सेमी कॉलन। अब ये डॉलर रो टू का मतलब क्या है, आप देखोगे जो इमेज है वो किस पोजीशन पे है, टू पोजीशन पे है, जीरो पे आईडी, वन पे नाम और टू पे इमेज। तो इसीलिए मैंने यहां पे डॉलर रो टू लिखा है। ठीक है, डॉलर रो टू पे जो भी डेटा होगा मतलब जो इमेज का पाथ है वो यहां पे आ जाएगा। अब इस पाथ को हम यूज कर लेंगे आईएमजी टैग के अंदर। तो यहां से हमने इको को यूज कर लिया और यहां पे हम आईएमजी टैग को यूज कर लेते हैं, आईएमजी एसआरसी एंड एसआरसी के अंदर हम लोकेशन बता देते हैं डॉलर लोकेशन। ठीक है, इसका कुछ विड्थ और हाइट भी सेट कर देते हैं। तो विड्थ मैंने कर दिया 150 पिक्सल एंड हाइट मैंने कर दिया 150। ठीक है, अब एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इमेज यहां पे डिस्प्ले नहीं हो रही। तो इमेज क्यों नहीं डिस्प्ले हो रही है, एडमिन स्लेश ठीक है, यहां पे अगर मैं सिंगल कोड लगाऊं मैंने इसको सेव कर दिया, फिर से मैं रिफ्रेश करता हूं। ओके, तो इमेज यहां पे आ चुकी है। ठीक है, अब इमेज तो यहां पे डिस्प्ले हो गई। अब इसके साइड में हम क्या दिखाना चाहते हैं, इमेज का जो प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीजें भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे का कोड हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।